क्या नाम है आपका? चंद्रकला। आपका गांव कौन सा है? रेतवा चंद्रबान। क्या समस्या, आप लोग यहाँ क्यों उपस्थित हुए हैं? समस्या यह है सर कि जब 2010 में मोर आदमी खत्म हो गई ना, हम अपने छोट बच्चा के पढ़ावे बते, हम एक बेटा जो है ना कि मिल के नौकरी जमीन अपने भाई अमर देव के बेच दें, एक बाद में 15 कड़ी हमारी जमीन बचल है, एक लड़का विकलांग एक छोट रहा है, बाकी हमार भी 2 लड़कियों का बचल है। एक बाद में जवान है कि हमारे भाई परिवार कहाँ है, संचिता देवी नेता यही आदमी उनका आदमी संजय चौहान, यही जमीन के पीछे हमें पुलिस चौकी पर भी मर ले हैं, और जमीन हमारे देतना हम जब हो तब कहीं, यही हमारे लड़का के देवेंद्र प्रताप के कि जब हो तब हम उठा ले, चाहे तो हम गाड़ी से कुचिल दे, हमसे खुद बोलेंगे। कौन बोलती है चीजें? संचिता। संचिता हाँ, नेता है भाजपा का, और ये जमीन पर हम मुकदमा भी लड़त है। एक बाद जे वकीलन के पास जब सब कहा ला कि हमें संचिता चौहान मने कैले ही नेता है, हम जवन की हम 5,000 रुपया को वकील के दे चुकल है, इस्टे बदे हमारे इस्टे ना केवले था, हमारे कोनो सुनवाई ना होती है। तो अब आप क्या चाहते हैं शासन प्रशासन से? हम ये चाहते हैं कि हमारे जमीन मिल जाए साहब, हम मौजा तक ना पौले है, हम खाली अपन जमीन चाहते है। हमारे भाई के जमीन है, वो बेचल जमीन बेचल गली, वो के बेच देनी, अपन हक हम चाहिए। यह जो हाईवे बन रहा था, इसका पैसा आपको मुआवजा मिला है कि नहीं अभी तक? साहब एक मुआवजा ना मिला, जन पहले रोड गया ला है ओकर मुआवजा मिला, आपको मिला था? हाँ, इसका ना मिला, इसका नहीं मिला है? नहीं, पहले वाले में जो हमारे ससुर में मुकदमा कैले रहा, पहले मुआवजा ना लेना, वह अब की हम पौली। क्या नाम है आपका? अमरदेव चौहान। आपका गाँव कौन सा है? खरंगा भगवानपुर। खरंगा भगवानपुर। आप लोग यहाँ चंद्रभानपुर में उपस्थित हैं, क्या प्रकरण है, क्या मामला, एप्लीकेशन हाथ में ले खड़े हैं? सर हम इसके लिए आए कि हमारा जो जमीन है दूसरे आदमी ने कब्जा कर रहा है, और ये हमारी जमीन है। यह जमीन कैसी है, क्या आप बैनामा लिए हैं इसको? लिए सर बैनामा लिए। तो कौन कब्जा कर रहा है? ये अंसारी करके, शाह आलम करके। किस गाँव के हैं ये? कटोली बरी, कटोली के। तो इस प्रकरण को आप किसी सक्षम अधिकारी के यहाँ अवगत कराए हैं? डीएम, एसडीएम साहब को एल दिया था। क्या आश्वासन मिला? वहाँ से बोले कि ठीक है, इसका इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, अभी तो कुछ हुआ नहीं। तो यह धोखाधड़ी का आपको कब पता चला कि आपके साथ ऐसा हुआ है? सर अभी कल जिस भी लगा के सब, परसों जिस भी लगा के कर रहे थे, तो मैं बम्बई रहता हूँ, मुझे पता चला कि नहीं ऐसा हुआ वहाँ पे। क्या कर रहे थे जिस भी लगाकर? ये सब तोड़ दिए, हमारी दीवार तोड़ दी, हमारी बाउंड्री गिरा दिए, और ईट था वो सब मालूम नहीं कहाँ पर डाल दिया, पता नहीं चल रहा सर क्या क्या किए वो लोग। तो आप किसी प्रशासनिक अधिकारी को अवगत कराए हैं इस विषय में, कल वाले प्रकरण में? कल का किया हूँ सर, देवगांव थाने पे एप्लीकेशन दिया हूँ। कोई पुलिस आए थे मौके पर? आने वाले हैं सर आज। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं साहब न्याय हो, हमारी जमीन हमको मिले।